गाइस हमारी मूवी बुक नहीं हुई है। मुझे लगा रौनक मजाक करे, लेकिन सच में कुछ टेक्निकल एरर के वजह से बुक नहीं हुई है। मैसेज कुछ आया नहीं है और मूवी बुक नहीं हुई है अभी। ऑफलाइन टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे पता नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। हम आए हैं फिल्म सेंटर डिनर करने के लिए और उसके बाद हमारा मूवी था 12th फेल। तो वो क्या हुआ वो आपको बाद में ही पता चलेगा। हम मूवी गए नहीं गए, देखा नहीं देखा। पहले तो हम डिनर करने आए थे क्रीम सेंटर, तो ये भी वहाँ के वीडियोज़ है जब हम डिनर करने के लिए बैठे थे। तो बस आप लोग देखिए हमने क्या डिनर किया। आप डिशेस के नाम ऐसे ही आप देख लीजिएगा क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा पहले का है। तो अब मुझे डिशेस के कुछ कुछ के नाम याद भी नहीं आ रहे हैं। उस टाइम वीडियो लेने टाइम तो दिया था, तो देखते हैं अभी। यहाँ पे नाचोस बहुत ही डिलीशियस मिलते हैं, तो हमने सबसे पहले नाचोस ही ऑर्डर किया था। बीन्स वाला नाचोस समथिंग लाइक दैट, और चीज़ी बीन्स नाचोस समथिंग लाइक दैट हमने ऑर्डर किया था। एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा है, पर वो राजमा साथ में मिलता है ना हमारे स्टाइल में बोला जाए तो वो राजमा वाला नाचोस हमने ऑर्डर किया था। बहुत ही यम्मी था गाइस। आप क्रीम सेंटर जाओ तो नाचोस ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी रहता है। फिर ये है अनियन रिंग्स, क्योंकि शिवाय को मेन्यू में बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी अनियन रिंग्स, इसलिए उसने बोला मुझे ये खाना है, ये रिंग वाला खाना है। हालांकि उसने एक दो ही खाया था, बाकी मुझे और रौनक को ही फिनिश करा, पर ये वाला उसके डिमांड में हमने मंगाया था अनियन रिंग्स। फिर ये पिज़्ज़ा मंगवाया, छोले भटूरे मंगवाए, और हमारा ऑल टाइम फेवरेट है छोले भटूरे। यहाँ की छोले भटूरे की पूरी की साइज़ देखिए कितनी ही अट्रैक्टिव, कितनी बड़ी है। बाप रे, मैंने बोला मैं अकेले नहीं खा सकती, वैसे हम सब ने मिलके ही खाया था, मैंने, रौनक ने और शिवाय ने। फिर ये दो जूस है, ऑब्वियसली वाटरमेलन जूस शिवाय का है, और रौनक ने कुछ स्मूथी मंगाया था, मुझे नेम याद नहीं आ रहा, स्ट्रॉबेरी और कुछ था। तो बस आप सब जो वीडियो देखते हैं हमारे रेगुलरली, उनको पता होगा कि शिवाय को वाटरमेलन बहुत ही पसंद है। वो जहाँ भी जाता है वाटरमेलन जूस पीता है, और उसका आधा पिएगा और आधा मुझे ही पीना पड़ता है एज ऑलवेज। हमारा डिनर फिनिश हो गया था, अब हम निकल रहे थे रेस्टोरेंट से और हमको फिर जाना था मॉल की ओर, क्योंकि हमारी मूवी थी 12th फेल। तो फिर बस अब हम रास्ते में थे, मॉल जा रहे थे। तो गाइज अभी हम पहुंच गए मॉल और हम देखने के लिए जा रहे हैं 12th फेल मूवी। शिवाय बहुत मस्ती कर रहा है एज यूजुअल। आ गया हमारा गाइस। हमारी मूवी बुक नहीं हुई है। मुझे लगा रौनक मजाक करे, लेकिन सच में कुछ टेक्निकल एरर के वजह से बुक नहीं हुई है। मैसेज कुछ आया नहीं और मूवी बुक नहीं हुई है अभी। ऑफलाइन टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे पता नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है। गाइस हम लोग थिएटर घूम के घर जा रहे हैं। कौन सा थिएटर घूमे? अपन मॉल भी नहीं घूमे, थिएटर अंदर मैं भी नहीं, अंदर नहीं, थिएटर के बाहर से हम जा रहे हैं। हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ है। तो जब भी आप लोग टिकट बुक करो ना, अच्छे से पहले देख लेना कि आपका टिकट, इवन आपका पैसा भी डेबिट हो जाएगा। हमारा हो गया था इसलिए हमको लगा टिकट बुक हो गई है, लेकिन जब तक आपको सीट नंबर वगैरह वो सब ना आ जाए ना, तब तक कंफर्म मत समझना। अभी हमको पता चला कि रिफंड आ गया है, तो ऐसे धोखे में कभी मत रहिएगा। हम लोग को आज बहुत बड़ा सीख मिल गया है। अब शिवाय को क्या घर नहीं जाना, उसका माइंड में सेट हो गया ना कि मूवी देखने जा रहे हैं, तो अभी उसका माइंड चेंज करना पड़ेगा फिर से।
पर अभी मूवी टिकट नहीं हुई है, कैंसिल हो गई। तो गाइस हम जा रहे वापस घर, पार्किंग का पैसा देके हम लोग पार्किंग का पैसा भी वसूल देंगे ना, एक घंटा घूम के कर लेना चाहिए था।